जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त सर्वेश, एनआईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त सबसे बड़ी बात कि मेरे कई सारे भाइयों ने सुझाव भी मेरे को दिए। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आप लोग जब मेरे को सुझाव देते हो तो लगता है कि यार एक अपना सगा भाई मिल गया, एक प्रेम मिल गया। बहुत सारे सुझाव देते हैं, बहुत सारी बातों को, अगर चीजें होती हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं भाई को बताया जाए, भाई आगे बढ़ा सकते हैं इन बातों को, आप वो तक बातें हमारे तक लाते हैं और हम उसको हमेशा से आगे बढ़ाते रहे हैं। और यहां तक कि आपके मैसेज जो ऑनलाइन आके मैं आपको जवाब दिया करता था, अभी क्या हुआ था कि मैं थोड़ा बहुत अधिक बिजी चल रहा था इसलिए जवाब नहीं मिल पाया था, लेकिन आप लोग को कल से प्रॉपर रूप से आप लोग के मैसेजों का जवाब मैं ऑनलाइन तरीके से ही दूंगा जैसे देता रहा हूं। तो दोस्त इसमें मेरे कई भाई ऐसे थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन दिया था, किया नहीं था, क्वेश्चन मेरे को दे दिया था उन लोगों ने कि सर जो आप टूर्नामेंट डाल रहे हैं ये जो है क्या ये मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। तो पहली चीज है दोस्त कि इसमें समझने वाली बात है, धैर्यता से सुनिए कि भारत के अंदर जो भी खेल प्राधिकरण हैं सबको प्राइवेट कोटे से मान्यता प्राप्त है। मान्यता सभी को है, बगैर किसी को ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, और भारत या किसी स्टेट या किसी जिले में अगर वो टूर्नामेंट कराता है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन करेगा। पहला चीज कि सभी का मान्यता प्राप्त है। अब यहां एक मोटा बात आता है कि सर जब सबका मान्यता प्राप्त है तो क्या इन सभी के सर्टिफिकेट नौकरी में मान्य होंगे? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात जानिए, जिसको भारतीय खेल प्राधिकरण मान्यता देगी, जिस एसोसिएशन को भारतीय खेल प्राधिकरण मान्यता दी होगी, या राष्ट्रीय खेलों में जिसका समागम होगा, यानी जो जिन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है राष्ट्रीय खेलों में, या राष्ट्रीय संघ से मान्यता प्राप्त है, वही फेडरेशन मान्य किया जाता है भर्तियों में, चाहे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती हो, चाहे डायरेक्ट आप नेशनल टूर्नामेंट खेलने वहां पे जाके सिलेक्शन हो रहा हो, केवल और केवल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था है उन्हीं में ऐसा होता है। इसके अलावा जितने भी गेम हैं आपके देश में कराए जा रहे हैं, यूथ फेडरेशन और कई सारे फेडरेशन, कई जगह इनकी मान्यता मिल जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से इनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। मिलने की न कारण यह है कि इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जो होते हैं दिशा को भटक जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि इस इंडिया देश में, ये भारत देश में कौन सी संस्था जो है जिसकी मान्यता है और कौन सी संस्था है जिसकी मान्यता नहीं है। तो सीधा सर्टिफिकेट पर ऊपर एक लिखा होगा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त, वही संस्था मान्य है और आपका सर्टिफिकेट नंबर चढ़ता है। सबको सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर तो सबको है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका एक अलग वैलिड होता है, और उसका जो एसोसिएशन है हर एक स्टेट हर एक जिले में उसका एसोसिएशन होता है, और किसी भी स्टेट में किसी एक व्यक्ति को उसकी जो मान्यता है दिया जाता है, और किसी जिले में भी उसी प्रकार एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, दो व्यक्ति को कभी उसको फेडरेशन का मान्यता नहीं दिया जा सकता। तो इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, और उसके बाद मैं जो बताता हूं उसका कुछ और मकसद है। मकसद यहां पे केवल ये है कि आप टूर्नामेंटों में जाइए, पार्टिसिपेट करिए। अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी फिजिकल अच्छी हो जाएगी, यदि आप अपने गेम की तैयारी कर रहे हैं तो लंबे समय गेम से दूर रहने से क्या होता है कि हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है और हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये जो टूर्नामेंट होते हैं इसमें आपको क्या होता है, जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हिचक निकलता है, डर निकलता है, और आप जो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था है उससे जब खेलने जाते हैं तो आप पूरे तरीके से खुल जाते हैं। जैसे कि अगर आप पेपर में डायरेक्ट लिखने बैठे तो आपका हाथ थक जाता है, अगर यही आप प्रॉपर रूप से डेली प्रैक्टिस करिए उसके बाद जाइए पेपर में बैठने तो आपका हाथ पहले दिन भी थोड़ा बहुत थकता है, उसके बाद दूसरे दिन से चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेपर में बैठना एक अलग मैटर है और घर पे राइटिंग करना एक अलग मैटर है। जब तक आप पेपर में नहीं बैठेंगे, कॉम्पिटिशन में नहीं बैठेंगे, तब तक कॉम्पिटिशन की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, उसकी पावर को नहीं समझ पाएंगे। तो पावर और वैल्यू समझने के लिए आपको कॉम्पिटिशन में जाना होगा, और
कई सारे कॉम्पिटिशन तो ऐसे भी कराए जा रहे हैं जहां पे आपको प्राइज मनी भी रखा गया है, तो प्राइज मनी भी मिलेगा और इसके साथ साथ आप एक इस तरीके से होंगे कि आप नेशनल प्लेयर है अपने जिले में, अपने जिवार में, इस नाम से भी जाने जाएंगे। तो दोस्त बस यही सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको खेल के प्रति जो जागरूकता है वो जागृत हो सके और कोई भी खिलाड़ी गलत फेडरेशनों में न जाए और सही जो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जो फेडरेशन है उन्हीं फेडरेशनों से खेल के अपने जीवन को बना सके। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।